बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अपने कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि आप अपने घर में किस तरह मनी प्लांट कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। आप ये मनी प्लांट का पौधा देखें, ये मैंने गमले के अंदर लगाया हुआ है और इसको भी मैंने कटिंग के थ्रू लगाया था। तकरीबन 4 से 5 अदद कटिंग्स लगाई थी जिससे ये ग्रो हुआ था। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना हेल्दी पौधा है और इसके पत्ते किस तरह शाइन कर रहे हैं, और इसमें कुछ अदद बड़े साइज़ के भी हैं। तो ये एज पे डिपेंड करता है पौधे की। अगर आप सही से देखभाल कर रहे हैं, उसकी एज पुरानी हो गई है, तो वो अपने पत्ते जो उनसे ना बड़े ग्रो कर लेते हैं, तो बड़े ग्रो हो जाते हैं इस तरह। तो जो आप चाहते हैं कि अगर आपके भी इस पत्ते इसी तरह शाइन करें मनी प्लांट के, तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें लास्ट तक। तो आज हम दो तरीक़ों से मनी प्लांट लगाएंगे, कटिंग के थ्रू और एक लगाएंगे हम इसी तरह के गमले के अंदर, और एक लगाएंगे हम पानी के जार के अंदर। तो दोनों ऑप्शंस हमारे पास होंगे और आप जो आपको अच्छा लगे, आप जिस तरीके से लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। तो अगर आप पानी में लगाएंगे तो उसका बेनिफिट ये है कि आप अपने ऑफिस में या किसी शॉप पे होते हैं आप, या फिर घर में स्टडी टेबल के साथ जो सा टेबल वगैरह पे कॉर्नर्स पे वो जार रख सकते हैं, और प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है। तो डिले नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमने मनी प्लांट की जो कटिंग ली है वो बेसिकली इसमें से ली है, और वो मैंने थोड़ी देर पहले पानी में भिगो के रख दिया था ताकि वो खुश्क ना हो। तो कटिंग्स लेके आते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ फर्दर आपने आगे क्या करना है। कटिंग्स हमने प्रिपेयर कर ली हैं, मिट्टी भी प्रिपेयर कर ली है और जार भी प्रिपेयर कर लिया है, पानी मैंने भर के रख दिया है इसके अंदर। सबसे पहले हम पानी के अंदर लगाएंगे क्योंकि जो ये सबसे आसान तरीका है, आप घर में लगा सकते हैं। तो मिट्टी का भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन पानी का बहुत आसान है, साफ़ सुथरा है, आपके हाथ गंदे नहीं होते और बड़े ही आराम से आप जो सा ना ये कटिंग्स लगा सकते हैं। तो आपने पहले सबसे पहले जो सा काम करना है ना, वो अच्छी ब्रांच का इंतखाब करना है। कौन सी ब्रांच जो सा है ना सही रहेगी सबके लिए। चलिए जी, हमने प्रिपेयर कर लिया है कटिंग्स को और जग को प्रिपेयर कर लिया है, जार को पानी भर लिया है इसमें, और मिट्टी भी हमारी प्रिपेयर हो गई है। तो मिट्टी में हम बाद में लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे अपने जार के अंदर। और बहुत ही आसान तरीका है, साफ़ सुथरा तरीका है, जिसको नहीं भी आता वो भी ये सीख सकता है। तो जो आपने कटिंग्स ली हैं, सबसे पहले आपने उनका इंतखाब करना है कि कौन सी कटिंग आप को सूट करती है, जो आप जार के अंदर लगा सकते हैं। ज़्यादा साइंस नहीं है इसमें, बस सेलेक्ट करना है आपने जो आपको पसंद आती है ब्रांच, किस तरह की हम पानी में लगा सकते हैं। तो ये ब्रांच आप देख लें, ये पानी के लिए नहीं है, बेसिकली ये मिट्टी के अंदर लगेगी। ये जो सी इसकी पूरी लंबी स्टेम्प है ना, इस ज़मीन के नीचे आ जाएगी और ये यहाँ यहाँ तक ना मिट्टी के अंदर होगी। तो इससे ये होगा कि दो जगह से रूटिंग शुरू हो जाएगी और ऊपर अप शूट मनी प्लांट ग्रो करेगा। तो ये हम रख लेते हैं गमले के लिए, इसको गमले में लगाएंगे। और सिंपल है, आप इसको उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं और ये यहाँ से ग्रो करती रहेगी। तो ये हमारा पहला तरीका हो गया हम किस तरह पानी में लगाते हैं, बहुत सिंपल है, बस आपने डाल देना है। जो आपको ब्रांचेस अच्छी लगें वो आप चुन के ना, जिस तरह भी डिज़ाइन अच्छा लगे पानी में तो वो आप इसमें लगा दें। बेसिकली स्टैम्प को पानी लगना होता है, वहाँ से वो रूटिंग स्टार्ट कर लेती है, बिल्कुल इसी तरह जिसमें इसमें हुई हुई है। देखें, रूटिंग स्टार्ट हुई है, हालांकि ऊपर से इतना कोई बड़ा स्टैम्प नहीं था इसका, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हुई है और होते होते ये नीचे तक सारी रूटिंग आ गई है। तो जो बाकी हमारे पास स्टैम्प्स बच गई हैं वो हम मिट्टी में लगाते हैं, और मैं कैमरे को सेट करता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि किस तरह मिट्टी में लगाएंगे। और ये पत्ते आप साइड पर कर दें, स्टैम्प्स चाहिए आपको, स्टैम्प्स रिक्वायर हैं, और हम इकट्ठी भी लगा सकते हैं और फासले पे भी लगाते हैं, देखते हैं फिर। ये जनाब, हमने मिट्टी प्रिपेयर कर ली है, गमला रख दिया है, कैमरा सेट कर लिया, अब कलमे लगाना शुरू करते हैं। और ये स्टैम्प हम पहले लगाएंगे, इसको एक साइड पे लगा देते हैं। आपने सिंपली उंगली की मदद से, आपकी मिट्टी इतनी एक सॉफ्ट होनी चाहिए, पहले गोडी कर लें इसकी, और ये देखें, ये उंगली की मदद से हल्का सा प्रेस किया और साइडों से मिट्टी लगाई और इसको ये अंदर फंसा दिया। ये देखें, ये हमारी पहली स्टैम्प निकल लग गई है, और दूसरी स्टैम्प लगाते हैं।
इसी तरह हम सारी स्टेम्स लगा लेंगे, इसको तकरीबन इतना इतना मिट्टी के अंदर डाल देंगे, इधर साइड पे लगा देते हैं। ये दूसरी स्टेम्प ला के ये स्टेम्प चेक कर रहे हैं, ये सबसे प्यारी स्टेम्प है, इसको यहाँ पे लगाते हैं। और ये मेरे उंगली पे कांटा लग गया है, ये यहाँ पे लगा दी, इसको भी ऐसे ही रख देते हैं। एक स्टेम्प ये है, इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं। एक ये है, इसको भी यहाँ पे बीच में लगा देते हैं। एक स्टेम्प रह गई है, इसके ऊपर कोई लीव्स वगैरह नहीं है, इसको ऐसे ही लगा देंगे कहीं पे भी, कहीं पे भी जगह बना के ना ये लगा देंगे। थोड़ी थोड़ी साइडों पे मिट्टी डाल देंगे और अब इसको पानी लगाते हैं। पानी जो सा आप किसी भी बर्तन या मग्गे या जिस तरह ये मेरे पास ये है पानी देने वाला, किसी भी बर्तन में आप ना पानी डाल के हल्का हल्का करके ना इसमें लगा दें। ओके जी दोस्तों, हमने लगा लिया है मनी प्लांट को, बड़े आराम से हमारे पौधे लग गए हैं। मिट्टी के अंदर भी लगा लिया है हमने और जार के अंदर भी लगा लिया है। सिंपली आपने करना ये है कि इसको किसी छांव वाली जगह पे रखना है कुछ दिन, हफ्ता एक, ताकि पौधों की जर्मिनेशन जो है ना स्टार्ट हो जाए, रूट्स की जर्मिनेशन शुरू हो जाए। अगर आप इसको सीधा धूप के अंदर रख देंगे तो ये पत्ते जो है ना बर्न करना शुरू हो जाएंगे, इस तरह ना करके सारे ना जल जाएंगे। तो ये काम आपने नहीं करना, धूप से बचाना है। हफ्ता एक पौधे को शेडी एरिया में रखें ताकि इसकी ना वहाँ पे रूटिंग जो है ना वो हो सके। और जब आप देखें कि इसकी नई नई ब्रांचेज आना स्टार्ट हो गई हैं तो जो सा है आप इसको फिर मतलब अवल तो मनी प्लांट को धूप में रखें ही ना, इसको शेडी एरिया में रखें। और अब वैसे भी मौसम तब्दील हो रहा है तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपके घर इंडोर कोई जगह ऐसी है जहां पे आप इसको गर्म हिस्से में रख सकें तो वहां पे ज़रूर रखें। लेकिन वहां पे शर्त ये है कि डे टाइम जो लाइट होती है वो लाजमी पड़ती रहे, क्योंकि सर्दियों में इनके पत्ते जो उनसा है वो पीले पड़ जाते हैं और ये सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं। तो ये आप कहीं पर भी रख सकते हैं। इसका जार का बस ये एहतियात करनी है कि हर दूसरे तीसरे दिन इसका आपने पानी चेंज करना है। लाजमी नहीं सारा कर लें, आप आधा पानी भी चेंज कर सकते हैं। अगर पानी का कोई मसला है आपके एरिया में, मीठा पानी नहीं आता टाइम से, तो आप इसका आधा पानी भी हर दूसरे तीसरे दिन चेंज कर सकते हैं, तो ये तब भी आपकी मनी प्लांट चल जाएगी। तो उम्मीद है आप सबको ना आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और जो जो आपके दोस्त और फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब के साथ शेयर करें। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेकबान, अस्सलाम वालेकुम।